अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ तला हुआ गोश्त। ये टेस्ट में कोई इतना ज़बरदस्त होता है और इतनी जल्दी बनता है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है ये और टेस्ट में ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे मैं मटन ले रही हूँ, आप बीफ भी ले सकते हैं। 500 ग्राम मटन है, नमक हसबे ज़रूरत, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, टमाटर 2 अदद दरमियानी साइज़, तेल 1/2 कप, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, गोश्त को डाल देंगे, इसी में ही टमाटर डाल देंगे, अदरक लहसुन डाल देंगे और सारे मसाले डाल देंगे और यहाँ पे पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे गर्म पानी इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे जल्दी थी। गर्म पानी डालने से ये जल्दी बॉइलिंग स्टेज पे आ जाएगा और इसको मैं अब हिला लूँगी। ये देखिए, इसने ये जल्दी ही पकना शुरू हो गया। अब इसको मैं ढक दूँगी और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इधर आपने गोश्त चेक कर लेना है, अगर गोश्त आपका गल गया है तो आपने हाई फ्लेम कर देना है और इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बने और टमाटर बहुत अच्छे से गल जाए और पेस्ट बन जाए, टमाटर साबुत नज़र नहीं आने चाहिए। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और इसका तेल ऊपर आने तक इसको पकाऊँगी। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप खट्टी दाल चावल के साथ खाएँ, ये टेस्ट में बहुत मज़े का होता है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। नान और रोटी के साथ भी ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर भी लूँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।